हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। और मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी शुभकामनाएं ये हैं आपके लिए कि आने वाला साल 2023 में आपका आपका जो लक्ष्य है आप उसको हासिल करें, उसमें सफलता प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, यूपीपीसीएल में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी, सहायक लेखाकार की वैकेंसी आई है। सबसे पहले बता दूं, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी है। सारी डिटेल के साथ साथ यहां पर बताऊंगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 में जब 2240 पदों के लिए जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे, लास्ट में। सबसे पहले हम चलते हैं, यहां पर जो आपकी पोस्ट आई है टोटल 186 पोस्ट है, ये कम नहीं है। 186 बहुत है बच्चों। इसको जब भी आप ऑनलाइन जब ये स्टार्ट होगा तो 8/11 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो है 28/11 लास्ट डेट है। फीस की जो लास्ट डेट है 30/11 लास्ट डेट है। एज की अगर हम बात करें 21 से 40 साल एज मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री इन कॉमर्स, तो बीकॉम जिन्होंने किया हुआ है, मतलब कि जिनके पास कॉमर्स की डिग्री है तो बीकॉम के पास ही होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है ये बहुत ही आप कह सकते हो सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाती है, क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एग्जाम का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को पता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ साथ मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है। दिवाली ऑफर है, टेस्ट बुक ने आप सभी के लिए यह दिवाली केवल 299 वाली ऑफर निकाला हुआ है। आप सभी को बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर आपके टेस्ट बुक पर मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, एसएससी का मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट टेस्ट बुक पे सबका अवेलेबल है। 19 से 24 अक्टूबर आपका यह ऑफर रहेगा, 299 का जो आपका है, ठीक है ना, 299 का जो पूरे साल भर का है, अंतिम सुमोहर पूरे साल भर का है, जो पास 299 वाला मात्र 270 रुपए में आपको मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है ACR और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। फीस की अगर हम बात करें, अनरिजर्व EWS OBC 1180, SC ST के लिए 826। और हम अगर बात करें कि जो 126 पोस्ट आई है कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की 79 पोस्ट है, EWS की 18 है, OBC का 47 है, SC का 37 है, ST का 5 है, ठीक है। वेतन मान की बात करें तो 29,800 रुपए ये आपका बेसिक है और ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है ना, अंतिम तक। तो 29,800 रुपए। अब इसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा, आपका HRD जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा, ये आपका 40,000 रुपए बनेगा ग्रॉस सैलरी जो आपकी बन जाएगी 40,000 तक बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको पता ही चल गया, जो कॉमर्स है और कोई नहीं, ठीक है ना, कॉमर्स वाले ही एलिजिबल है और कोई भी नहीं एलिजिबल है, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो Part 1 and Part 2 दो पार्ट में पेपर है, लेकिन दोनों क्या होगा, दोनों एक साथ होगा, क्या होगा, दोनों एक साथ ही होता है, ये नहीं कि अलग अलग कोई पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, उसमें दो पार्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम Part 1 की बात करते हैं, जहां पे 50 क्वेश्चन होंगे, किसके, कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर। और किस लेवल का होगा, तो ओ लेवल का होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आया था, उसमें CCC लेवल का आएगा, लेकिन यहाँ पे ओ लेवल का है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पेपर दो, जो आपका 22 फरवरी और 25 फरवरी 2022 में हुआ था, दो ये 240 पदों के लिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है मैंने, आप वहां पे जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको 22 और 25 दोनों पेपर दे दिया है। हालांकि कंप्यूटर बहुत कठिन नहीं आया है, आप अब पास होने भर का आराम से कर लोगे, मैंने पेपर देखा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का, ओ लेवल का होगा, जो लेवल होगा ओ लेवल का, और 50% क्वालिफाइंग है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 50% क्वालिफाइंग है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का, और आपको 25 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप Part 1 में फेल हो गए, तो आप वहीं से बाहर हो गए, फिर Part 2 आपका जो है वो चेक भी नहीं होगा,
तो पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में पहला आपके पास आता है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। फिर आपका आएगा अरिथमेटिक, फिर तीसरा आपका है अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का। लेकिन डरिएगा नहीं, मतलब ये मत सोचिएगा कि अरे यार अब तो मैं ये तो भूल चुका हूं, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या, अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में कितने होंगे, एक दो तीन, तीन अलग अलग सब्जेक्ट है, चार हो गया, एक्चुअली जनरल हिंदी भी है, तो प्रश्नों की संख्या 150 है, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 है। यहां पर निगेटिव मार्किंग जो आपका ये है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंप्यूटर क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां पर भी 1/4 निगेटिव मार्किंग है आपका, ठीक है, तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, तो संभल के करना है अच्छे से। सबसे पहला टारगेट कंप्यूटर तैयार करना है, अगर ये पास हो गए तब तो ये चेक होगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपका पार्ट टू में भी निगेटिव मार्किंग है। समय की अगर हम बात करें तो आपको कितने, 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा, 3 घंटा ही ना, हाँ ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको यहां पे जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन, ठीक है, कितना हो गया, 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 25, 50, 75, है ना। और आपका जो अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स है, यहां से 75 क्वेश्चन, टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिएगा, वहां पे 25, 25, 25 और 75 ही आए हुए हैं, इस तरीके से आपका पेपर होगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर रहे हैं, दोस्तों देखिए एक छोटी से छोटी जानकारी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीजों को बताता हूं। तो अगर आप सही डायरेक्शन में सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखिए ओबीसी जो सर्टिफिकेट है 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए, क्या, इसके बाद का होना चाहिए, 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। तो अगर आपका इसके पहले का है तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। सीबीटी जो है टेंटेटिव संभावित है, जनवरी के सेकेंड वीक में आपका पेपर हो सकता है, संभावित है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी, ये 4 सेंटर ही हैं। हालांकि अगर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सेंटर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि केवल बीकॉम वाले हैं। तो लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, 79 सीट है, ठीक है। 2 times कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चों को पास किया जाएगा, 2 times, मतलब इसका 2 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, 6 × 12 = 2 आखिर लगाए, 8 × 2 = 16, 17 = 7 और 2 × 1 = 2, 372 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसमें जो पास, मतलब जो डीवी में पास हो जाएंगे उनको आगे मेडिकल करा के ज्वाइन कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका 240 पोस्ट के लिए कट ऑफ किया गया था, मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ये आपका है, समझिएगा ये 50, हाँ अब आप समझिएगा, ये जो पार्ट वन है ना कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जो आपका है वो केवल क्वालिफाइंग है, क्या है, केवल क्वालिफाइंग है, केवल पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो 87.75 150 में से, ठीक है, 150 में से जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व का 87.75 और ईडब्ल्यूएस का जो गया था 73.02 और ओबीसी का जो गया था 74 गया हुआ है एंड एससी का जो गया था 36.74 गया था एंड एसटी का जो गया था 31.79। अब देखिएगा, अभी रुकिए, अभी जाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट की और बात है, ठीक है। और पीएच का जो गया था 49.68 और डीएफएफ का जो गया था 47.74
76.74.45 एक्स सर्विस मैन का, ठीक है। अब आपको क्या बताने वाला हूं, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। देखिएगा, आपको एक बात बता देते हैं, ठीक है, हाथ से ही कर ले रहे हैं, कपड़ा लग रहा है मम्मी ने धुल दिया, ठीक है। देखिए, आपका जो अनरिजर्व का भी कट ऑफ है ना, सबसे पहले तो एससी का देख लीजिए, 150 में से मात्र 36 नंबर, चलो 37 नंबर कह लेते हैं। एसटी का देख लीजिए 32 नंबर, केवल 32 नंबर पे सिलेक्शन, 40,000 सैलरी, ले जाओ भैया, ठीक है। तो यहां पे बस आप बीकॉम किए हैं ना अगर, और पास क्या होना चाहिए, ये कंप्यूटर पास करना है, क्या पास करना है, Part 1 कंप्यूटर पास करना है, पास करना है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। यहां पे कोई टाइपिंग नहीं है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है टाइपिंग, तो टाइपिंग नहीं है, ठीक है, टाइपिंग नहीं है। अब बात करते हैं अनरिजर्व का, देखिए 25 नंबर की इंग्लिश है, 25 नंबर की हिंदी है, 25 नंबर की मैथ है, भाई 75 नंबर तो यही हो गया, और आपका कट ऑफ कितना गया 87, मतलब कि आपको अगर कॉमर्स, आपने ग्रेजुएशन बहुत पहले किया था लेकिन आप भूल गए हैं अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, तो इसका कंप्लीट सिलेबस, जो जो टॉपिक पूछा जाता है सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि अकाउंटेंसी ऑडिटिंग और इनकम टैक्स से क्या पूछेगा, उतना ही पढ़ के जाना है, उतना ही, और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, बस कुछ नंबर यहां से ले आइए। तो अगर आप हिंदी के अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में करीब 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथ में 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 60 तो यही हो गया, बाकी 75 में से भी अगर आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ये समझिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई थिंक मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दीपावली, अपना ख्याल रखिएगा।